आपका न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सख्ती से आ रही खबर के साथ। तंत्र मंत्र के जाल में एक परिवार तबाह हो गया, दो भाइयों की मौत से हड़कंप मच गया। तंत्र विद्या सीखने के दौरान मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार के चार सदस्यों की भी तबीयत बिगड़ गई है। मामले की जांच में पुलिस अब जुट गई है और ये तांडुलडीह गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि इन दिनों अंधविश्वास चरम पर है और ऐसे में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक परिवार तबाह हो गया है। दो भाइयों की मौत से परिवार में मातम है, रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब ये दोनों बच्चे नहीं रहे। तंत्र विद्या सीखने के दौरान ही मौत की आशंका जताई जा रही है। परिवार के चार सदस्य की भी तबीयत बिगड़ चुकी है। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। हालांकि तंत्र मंत्र को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस तरह की जो नई चीजें हैं, वो बिल्कुल भी ना आजमाए, बिल्कुल भी इसको ना ध्यान में रखे। बावजूद इसके कई बार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर की जो जिज्ञासा है वो उन पर ही भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है सख्ती में भी। तंत्र मंत्र को लेकर जो सीखा जा रहा था, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, उनके चलते दो लोगों की जान चली गई है। दो भाई हैं ये, दोनों ही भाइयों की मौत से फिलहाल हड़कंप मच गया है। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, देखिए, हमेशा ही तंत्र मंत्र को लेकर यह कहा जाता है कि किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। बावजूद इसके अमूमन हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें देखते हैं। फिलहाल परिवार में क्या स्थिति है अभी इस मामले के बाद से ही, कैलाश? तरह से तंत्र विद्या की वहाँ जो जाप चल रही थी, एक महिला ने अपने पांच बच्चों के साथ, तीन बेटे और दो बेटियां के साथ, लगातार पांच छह दिनों से वह बंद कमरे में इस तरह की नाम की जाप कर रही थी। और बताया जा रहा है कि उज्जैन के किसी बाबा का फोटो सामने में रख कर जाप हो रही थी। घटना की जानकारी जो है ग्रामीणों ने पुलिस को दी और उस बीच जब ग्रामीण आए तो दो बालक जो है, विक्की और विक्रम, जिनकी उम्र 22 और 25 वर्ष है, वो अचेत पड़े हुए थे। उनको आनन फानन में जो है अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। साथ में जो चार थे, एक महिला और दो बेटी और एक बेटा, जिनकी मानसिक संतुलन जो है बिगड़ी हुई है और वह अचेत टाइप की बात कर रहे हैं, जबकि दो बालिका जो है वो मूर्छित अवस्था में है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है। साथ ही रायपुर की टीम अस्पताल बुलाया गया है, चूँकि मनोचिकित्सक ही बता पाएंगे कि आखिर इस तरह की उनके मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ी। और फिलहाल गाँव में काफ़ी दहशत है, इस तरह के घटनाओं से लोग भयभीत हैं कि आखिर इस तरह की घटना हुई कैसे। और आजकल तंत्र मंत्र विद्या कहें या अंधविश्वास, इन पर लोग जो है काफ़ी भरोसा करते हैं और नौसिखिया होने के कारण, उनको निश्चित जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह से वो कूद जाते हैं मंत्र जाप में और कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ रहा है। और ये उदाहरण है कि जिस तरह के दो सगे भाइयों की मौत हुई है उससे काफ़ी जो है भयभीत है ग्रामीण। और साथ में इस तरह के जो तंत्र मंत्र में अंधविश्वास में लोग जो पड़े हैं उनके लिए भी सबक है कि आखिर इस तरह के बिना किसी जानकारी के इस तरह के जाप न करें, इस तरह के मंत्र का उच्चारण न करें, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और मामले के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत के कारण क्या है और इस तरह के मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण क्या है। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि वाकई में अभी इसमें जांच और होने के बाद ही बातें समझ में आ पाएंगी। तंत्र मंत्र कितना भारी हो सकता है ये वाकई में देखने वाली बात है। भोपाल की भी बात करेंगे, जहां जूनियर ऑडिटर के घर छापेमारी की गई है। रमेश हिंगोरानी के घर नोट गिनने की मशीन मिली है। जूनियर ऑडिटर के घर में तीन लॉकर भी मिले हैं। एरोसिटी फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर मिला है। इंदौर भोपाल हाईवे पर करोड़ों की जमीन के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त के छापे में खुलासा हुआ है। जूनियर ऑडिटर के घर पर छापेमारी की गई, नोट गिनने की मशीन तक मिली है। इतना ही नहीं, लॉकर भी मौके से मिला है। एरोसिटी फार्म हाउस में संदिग्ध कॉल सेंटर भी देखने को मिला। इंदौर भोपाल हाईवे पर करोड़ों की जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं।
लोकायुक्त के छापे में खुलासा हुआ है। अब जानने की कोशिश होगी कि कहां से आए हैं, किसके हैं और इस कॉल सेंटर के बनाने के पीछे का जो मकसद है वो क्या है। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।